हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मरिचा, योर लीगल मेंटोर। तो दोस्तों, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में, जो कि हमें बताता है कि पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उनके ऑब्लिगेशंस के बारे में, है ना, जिसको कि हमने पिछले ही लेक्चर में अपने डील किया है कि क्या क्या है पब्लिक अथॉरिटीज के वो ऑब्लिगेशंस जो कि उनको फुलफिल करना है, जो कि हमारा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 जो है वो बताता है। तो उसमें हमने कई सारी जो चीजें हैं, जो कि ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज को हाउ एवर जो है उनको करना पड़ेगा, तो वो हमने डील कर लिया था। आज के ये वीडियो कंटिन्यूइंग होने वाली है सेक्शन 4 की, क्योंकि इसके जो बचे हुए सब सेक्शन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और क्योंकि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से है, एंड दैट इज वाई इसको हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार सेक्शन 4 के सब सेक्शन जो बचे हुए हैं उसमें क्या बात की जा रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो बचा हुआ जो नेक्स्ट रिमेनिंग सबसेक्शन है वो सबसेक्शन 2 है, जो कि बात कर रहा है दोस्तों कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको कॉन्स्टेंट एंडेवर, मतलब कॉन्स्टेंट एफर्ट जो है वो अपना देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, ऐसे स्टेप्स ले जिनसे कि क्या हो सके, जो सबसेक्शन 1 है उसका जो क्लॉज बी था, अगर आपको याद है तो हम सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी में हमने क्या पढ़ा था कि वो पब्लिश करेंगे उनके जितने भी पर्टिकुलर्स हैं या फिर डिटेल्स वगैरह उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर उनकी एजेंसी एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड था। और कब उनको पब्लिश करना पड़ेगा ये सारी डिटेल्स वगैरह, जब आरटीआई एक्ट के एनैक्टमेंट के 121 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें उनको पब्लिश करनी है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, जो कि बात कर रहा था कि पब्लिश करना है जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको उन सारी चीजों पे, है ना, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड उनको पब्लिश करना था। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि उनको कॉन्स्टेंट एफर्ट जो है वो लेना पड़ेगा सारी पब्लिक अथॉरिटीज को, जिससे कि वो क्या कर सके, जो रिक्वायरमेंट है सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में वो फुलफिल की जा सके। ठीक है, और उसको फुलफिल कैसे वो करेंगे, जब वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एज मच इंफॉर्मेशन सुओ मोटो। ठीक है, सुओ मोटो मतलब खुद से ही उनको क्या करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगी, खुद से ही एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को रेगुलर इंटरवल पे देते रहें। ठीक है, ये नहीं कि पब्लिक आएगी उनसे मांगने के लिए कि हाँ भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जानना है कि जो गवर्नमेंट है वो ये क्या स्कीम लेके आई हुई है, तो इसके बारे में मुझे जानना है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हम आएंगे आपके पास, उन पब्लिक अथॉरिटीज के पास, तब जाके वो हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दैट शुड नॉट बी द केस, उनको सुओ मोटो जो एक्शन है वो खुद से ही वॉलंटरीली उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश करने पड़ेगी, सो दैट कि जो पब्लिक है वो कम से कम आए और जो बर्डन पड़ा हुआ है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो कि पब्लिक को आप खुद ही इंफॉर्मेशन दे, वॉलंटरीली दे, सो दैट कि पब्लिक को बार बार आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटीज जो है उनके पास ना आना पड़े। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पे वो क्या करे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें इंटरनेट भी है कि इंटरनेट के तरीके से भी, मतलब वेबसाइट पे वो क्या करेंगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, डालेंगे वहां पे, तो इंटरनेट के भी थ्रू वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके पब्लिक, तो वहां पे भी वो सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे, डालते रहेंगे। ठीक है, सो दैट द पब्लिक हैव मिनिमम रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ द दिस एक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिससे कि क्या हो सके, जो पब्लिक है वो क्या कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा ना वो जाए बार बार इस एक्ट के अंदर कि वो इन्फॉर्मेशन उनको लेना है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कम से कम वो क्या कर सके, इस एक्ट का क्या करे, वो उपयोग करे, और जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और ये तभी पॉसिबल होगा जब जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी, खुद ब खुद वॉलंटरीली जब क्या करेंगी, वो इन्फॉर्मेशन को टाइम एंड अगेन वो क्या करते रहेंगी, पब्लिश करते रहेंगी, तब जाके ये जो है वो इनका जो पर्पज है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 2 बात कर रहा है।
थ्री क्या बात कर रहे हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन वन एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी डिसिमिनेटेड वाइडली एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द पब्लिक. ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करिए जिससे कि पब्लिक जो है वो इजिली क्या करे, उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए. ठीक है, तो ये उनके तरीके होने चाहिए, जो फॉर्म्स वगैरह होंगे, मैनर होंगे, तो वो कौन किस तरीके का फॉर्म या मैनर होना चाहिए, इतना ज़्यादा इजी होना चाहिए कि जिससे कि एक जनरल पब्लिक, एक जो है जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वो जो पब्लिक है वो भी क्या कर सके, इन सारे इन्फॉर्मेशन्स को एक्सेस कर सके, ठीक है, मांग सके, ले सके. क्लियर होगी, ये सबसेक्शन थ्री बात कर रहा है. अब आते हैं सबसेक्शन फोर में. सबसेक्शन फोर क्या बात करता है, जितने भी जो सारे मटेरियल्स हैं वो डिसिमिनेट किए जाने चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए. अब ये कि नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, जाना है वहाँ पे ऑफिस में तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, कि आप एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो आपको इतने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना, हज़ारों रुपये देने पड़ेंगे तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, जिससे कि इतने जैसे बेयर मिनिमम कॉस्ट हो कि जिससे कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो लेने आ रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीरों की तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो ले ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब हो, ठीक है, जिनको कि जिनके पास बहुत कम पैसे हो, ठीक है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या कर सके, इतना बेयर मिनिमम हो कि वो भी अफोर्ड कर पाए और इन्फॉर्मेशन ले पाए. ठीक है, और क्या होना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होनी चाहिए, एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट लोकल एरिया. ठीक है, उस लोकल एरिया में मोस्ट इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है उस एरिया में, उस माध्यम के तरीके से वो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस में भी जो आरटीआई के आरटीआई एक्ट के तहत ये बताया गया है कि लोकल लैंग्वेजेस में भी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, कि सो दैट कि मान लीजिए किसी को हिंदी नहीं आती है ना, और वो जो है वो हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो उसका इन्फॉर्मेशन लेने का फायदा ही क्या हुआ, फिर तो वो पर्पस ही नहीं फुलफिल होगा ना. उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि उनको समझ में आए कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नई स्कीम आई है, मुझे गवर्नमेंट से अगर उनके बारे में जानना है कि भाई क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी करप्शन जो हो रहा है अगर उसके बारे में जानना है, तो क्या मतलब होगा जब वो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना. तो मान लीजिए कि ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस में दिक्कत हुई, अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा अगर उसको वो लैंग्वेज नहीं आ रही है. एंड दैट इज व्हाई यहां पे बोला गया है कि लोकल लैंग्वेजेस में भी आप उन इंफॉर्मेशन को क्या कीजिए, प्रोवाइड कीजिए. ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल. बार बार ये जो शब्द है इजीली एक्सेसिबल आ रहा है, इजीली एक्सेसिबल मतलब कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन को दीजिए जिससे कि कोई भी जो जनता में से कोई भी आदमी है जो कि कम पढ़ा लिखा हो, जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता हो, जो कि कई सारे लैंग्वेजेस उसको नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी क्या कर पाए, उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए. एंड दैट इज व्हाई वो जो तरीका है आरटीआई एक्ट में वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि वो इजीली एक्सेस कर पाए, इजीली उन इंफॉर्मेशन को ले पाए. ठीक है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विद द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी उनका जो एक्सटेंट है, वो जो मैनर है, वो फॉर्म है, जो तरीका है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी होना चाहिए. ठीक है, जो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन का ऑफिसर जो है या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो प्रोवाइड करेगी. ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये सबसेक्शन फोर बात कर रहा है. अब यहाँ पे हमने डिसिमिनेट अभी अभी पढ़ा है. ठीक है, डिसिमिनेट का क्या मतलब होता है, डिसिमिनेट का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करें या फिर क्या है पब्लिक को वो दें. ठीक है, मेकिंग नोन, पब्लिक को वो दें या फिर कम्युनिकेट करें थ्रू नोटिस बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट और एनी अदर मीन्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, तो डिसिमिनेट का क्या मतलब होता है, आप कम्युनिकेट करें या फिर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जनता को, पब्लिक को, नोटिस बोर्ड के थ्रू या न्यूज़पेपर एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे माध्यमों से भी आप क्या कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे बताने का ये मतलब हुआ कि डिसिमिनेट का आरटीआई एक्ट के अंदर, आरटीआई एक्ट के तहत क्या
मीनिंग है, ठीक है। अब हमने ऑब्लिगेशंस तो पढ़ लिए, ठीक है, सेक्शन 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक, कि ये सारे ऑब्लिगेशंस पब्लिक अथॉरिटीज के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे अभी भी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अभी भी ऐसा चल रहा है कि जो यहाँ पे बात की गई है कि सुओ मोटो जो है आपको लेना पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटीज को, वॉलंटेरिली उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार कोई आए ना उनके पास वो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, ठीक। लेकिन ये जो है वो अभी तक भी फुलफिल नहीं किया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रोफॉर्मा जो होता है उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश कर दी जाती है, डाल दी जाती है, लेकिन उसको क्या करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं। कई बार जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है इररिलेवेंट होती है, जो कि बेसिक भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जनता में है, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन को भी वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जो कि रेलेवेंट नहीं है जनता के लिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि वो अपने वेबसाइट्स को मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक, जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि जनता को चाहिए ही नहीं वो पड़ी हुई है, जो चाहिए वो है ही नहीं। सो देयर आर स्टिल लैक्यूनास, जो कि हमारा सेक्शन 4 जो बताता है कि ये सारे ऑब्लिगेशंस हैं और ये क्या है, मैंडेटरी है कि उन पब्लिक अथॉरिटीज को ज़रूर से ज़रूर इन सारे इन्फॉर्मेशंस को ये तरीके से क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना है, इजीली एक्सेसिबल बनाना है जनता के लिए। लेकिन स्टिल देयर आर लैक्यूनास बिहाइंड, जिससे कि ये जो पर्पस है इस RTI एक्ट का बोल सकते हैं या फिर सेक्शन 4 का, वो अभी तक भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बस ये है हमारे सेक्शन 4, तो ये हम करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है, इस वीडियो को। फिर हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।